करता है कि परमात्मा मेरा ये शरीर जल जाए परवाह नहीं, लेकिन मेरे शिष्य के ऊपर आने वाली हर बला तल जाए, ये गुरु होता है। जान से अपने की जा हम तेरी हिफाजत करनी है, कहा आप कौन है? अहम भक्ति रति काता हिमो में तनयो मतु ज्ञान वैराग्य ना मानु काल योगे न जर जर गंगा चा सरित स्नेवा मत्सेवार्थ समागत तथापि न च मे श्रेय सेविताय सुरो। कहते हैं भक्ति, कहते हैं देवऋषि नारद मेरा नाम भक्ति है, और ये दोनों वृद्ध अवस्था में पड़े हुए दोनों पुत्र मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। उत्पन्न द्रविणे साहम विभिम च कर्णाटके गता क्वचित क्वचित मन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णं गतः तव घोर कले योग्य पाखंडे वृंदावनम पुनः प्राप्त नवीने भक्ति। कहते हैं देवऋषि नारद मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञानी और वैराग्य युवा से वृद्ध हो गए। मैं द्रविण देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए गुजरात इत्यादि से जर्जर हो गई थी, कली का प्रभाव था। आज वृंदावन में आने के बाद मैं पुनः युवती हो गई, अपने स्वरूप को पा लिया, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध और अचेत हो गए। एक माँ अपने बच्चों के कष्ट को कभी सह सकती है? भक्ति रुदन कर रही है, देव ऋषि नारद से कह रही है कि महाराज कोई उपाय बताओ, और मन ही मन महाराज परीक्षित को श्राप दे रही है, अपशब्द कह रही है कि परीक्षित ने कलयुग को जगह क्यों दे दिया। अगर महाराज परीक्षित ने कलयुग को स्थान नहीं दिया होता तो आज मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य वृद्ध नहीं होते। देव ऋषि नारद समझा रहे हैं कि अगर आप किसी पे आरोप या प्रत्यारोप लगाते हो तो गलत है। जब सौदा होता है ना,
तो 2 रुपये फायदे की बात सोची जाती। परीक्षित ने कलयुग को जगह क्यों दिया? परीक्षित कलयुग जब आया परीक्षित के पास, रुदन करने लगा। परीक्षित का इंडिकेशन कैसे समझा? दैट्स इंडिकेट चापलूस मैन, आज वाला। पहले मीठा बोलेगा, फिर मगरमच्छ के आंसू रोएगा, फिर धीरे धीरे अंदर जाएगा और अवसर आते ही अपना काम बता देगा। ऐसा था कलयुग। कलयुग आया परीक्षित के पास, रुदन करने लगा, रोने लगा। परीक्षित ने, आप क्यों रो रहे हैं, कौन है? बोले, महाराज मैं कलयुग हूं, मुझे जगह चाहिए। बोले, आपका लाभ क्या है और हानि क्या है, दोनों बताओ। आप भी इंटरव्यू लेते साहब तो शायद यही पूछते हैं, किसी को जगह देंगे तो फायदा सोचते। बात प्रेम की कहां रह जाती है। तो हरी बात को देव ऋषि नारद ने समझाया और कहने लगे कि करम गति हो, करम गति तार का प्रारब्ध है वो भोगना पड़ेगा। आपका भोग, आपका भाग्य, आपसे वो सब करवाते रहेगा। इसलिए वृथा खेद ऐसे वाले, वृथा खेद ऐसे वाले, अहो चिंता तुरा कथम। श्री कृष्ण चरणाम भोजम अस्मरम दुखम गमिष्यति। वृथा अनावश्यक, बिना मतलब, जो नीति में नहीं है, जो नियत में नहीं है, उस पे चिंता मत करो भक्ति। खेद ऐसे वाला, चिंता मत करो, खेद मत करो, चिंता तुर मत रहो, अनावश्यक चिंता मत करो। फिर क्या करें? श्री कृष्ण चरणाम भोजन, भगवान श्री हरि के चरणों में साधना करो, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन कर, और
उनके स्मरण मात्र से स्मरण दुखम गमिष्यति। व्याकरण पढ़ा होगा विप्र देवता लोग, तो ती ता अंत सी आम यावह आम। हमने तो गुरुकुल में पढ़ाई करी है और पिटाई भी खूब करी है, हमें अच्छे से स्मरण है। हमारे गुरुदेव थे तो हम थोड़ा चंचल दृष्टि। गुरुदेव ने कहा दंतव्य क्या है, मैंने गुरुजी दांत तो ही दंतव्य है, बोले आ जा तेरा स्वागत कर दूं चिमटे से। दंतव्य शब्द, कंठव्य शब्द, ओष्टक शब्द, तालव्य शब्द, ये चार प्रकार से शब्द का उच्चारण होता है। जिन शब्दों के उच्चारण में तलवे का स्पर्श है उन्हें हम तालव्य कहेंगे। जिन पे होठों का इस्तेमाल है, जैसे आप बोले राम बंद हो गया, शिव तो होठों का इस्तेमाल हुआ, वो ओष्टक हो गया। आप बोलो त थ द ध न, ये दंतव्य हो गए। ओम अंग कं चं छं लं इं दुं, ये कंठव्य हो गए। इन शब्दों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, खासतौर से व्याकरण का ज्ञान जरूरी है, क्योंकि व्याकरण के बिना कथा का आनंद नहीं आता। और इंग्लिश में भी मेरे ख्याल से ग्रामर होना जरूरी है ना, बट अब तो गिरा मरा पढ़ाया जाता है, अब ग्रामर है ही नहीं, बेस ही खत्म हो गया। उनसे पूछो काइंड ऑफ टेंस क्या है, तो तीन बार सोच के बताते हैं, बड़ा आश्चर्य हुआ है। छोटा सा एक प्रश्न मैंने पूछ लिया, मुझे देखकर बच्चों को लगता बाबा वो कितने ही जानता है हारमोनियम बजाना और कुछ है नहीं। तो कई बार नए बच्चे हमारी मजा ले लेते हैं, बाकी ठीक है। जिसने जिस रूप में दुखा वैसा बोलते हैं, जिसने कभी मेरे को अनुचित कार्यों को ना सहन करके पिटाई करते देखा वो लोग गुंडा भी बोल जाते हैं। जिन्होंने हारमोनियम बजाते देखा वो वादक कह जाते हैं, जो डॉक्टरी प्रोफेशन में देखते वो अच्छा वैद्य कह जाते हैं। लेकिन जीवात्मा एक है और काम अनेक है, बाकी परमार्थ का मार्ग है। बहुत अच्छे परिवार में बैठा था, एक छोटा सा प्रश्न किया बच्चे से, पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे से प्रश्न किया था कि अगर आप खेलोगे तो मैं भी खेलूंगा, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश सिखाओ साहब, यकीन नहीं कर पाओगे, बाप बेटे माँ तीनों से नहीं हुआ, ऐसा तो ग्रामर पढ़ाया जाता है। जबकि सिंपल सा प्रेम, इफ यू प्ले आई शैल प्ले, दिस डज नॉट सी विल फेल, ये पढ़ते ही नहीं है। अब उसका क्या हो गया है, अभी नौकरियां भी पैसे दे के लगाई जाती है। हिंदी का बेस भी व्याकरण है और अंग्रेजी का बेस भी व्याकरण है, अब ये दोनों को गिरा मरा पढ़ाते थे। खैर हम लोग गिरा मरा नहीं पढ़े, हम तो भागवत जी को पढ़ेंगे। भक्ति को कहा श्री कृष्णा चरण भोजम, भगवान कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, अब उनके स्मरण मात्र से दुखम गमिष्यति, दूर चले जाएंगे दुख हरि नाम के स्मरण मात्र से। देख रहे हैं, बड़ा सुंदर उपमा दिया है। अरे भक्ति तुझे ज्ञान नहीं है क्या कि जो प्रभु को मानता है वो कभी दुखी नहीं रहता। प्रमाण दे रहे हैं,
कि द्रौपदी जा परित्राता एन कौरो कस्मलता पालिता गोप सुंदर सापि कृष्णनो गता। अरे भक्ति, तुझे ये चीज नहीं बहाने है तो मैं बताऊं, द्रौपदी को उनके पति जुए में हार गए थे, तो भी भगवान ने जाके लाज बचाई ना, स्मरण मात्र से पहुंच गए। तो अगर तू स्मरण करेगी तो तेरे दुख क्यों नहीं दूर होंगे। जब तक द्रौपदी को मेरे भाई बहन ये भान था कि धर्मराज युधिष्ठिर के होते हुए मेरे साथ कोई अन्याय नहीं होगा, गुरु द्रोणाचार्य के होते हुए मेरा अपमान नहीं होगा, गदाधारी भीम के होते हुए मुझे कोई स्पर्श नहीं कर सकता, तब तक भगवान नहीं आए। और जैसे ही द्रौपदी ने समर्पित कर दिया अपने आप को, तो कन्हैया ने क्या कहा, ध्यान से सुनना, कि बेचूंगा मैं द्वारिका, बेचूंगा मैं द्वारिका, चोरी करूं ब्रज में जाए, तो कपड़े की गठान में द्रौपदी बन जाऊंगा। अरे द्रौपदी, तुझे बचाने के लिए मैं मेरी द्वारिका बेच दूंगा। ये भाई बहन का प्रेम है कि बेचूंगा मैं द्वारिका, चोरी करूं ब्रज में जाई, और कपड़े की गठान में द्रौपदी बन जाऊंगा। और इतनों में न पूर पड़े दिगंबर हो जाऊंगा, पीतांबर बुढ़ा के तेरी लाज में बचा। जैसे ही द्रौपदी ने समर्पण किया, मेरे कन्हैया मेरे श्याम सुंदर नंदलाल ने कहा, रे द्रौपदी, तेरे पति जुए में हार गए ना, तुझे छुड़ाने के लिए, कर मुक्त करने के लिए मैं मेरी द्वारिका बेच दूंगा, और अगर इसमें भी नहीं पूरा पड़ा, चोरी करूं ब्रज में जाई। पहले से लोग मुझे चोरों का सरदार कहते हैं, पहले ब्रज में माखन चुराया, अब ब्रज की बालाओं के दागीने चुरा लाऊंगा। इसमें भी नहीं पूरा हुआ, दिगंबर हो जाऊंगा। अरे द्रौपदी, मैं तेरे लिए निर्वस्त्र क्यों ना हो जाऊं, पीतांबर उड़ा के तेरी लाज में बचाऊंगा। यही भाई बहन का प्रेम सबके हृदय में रहना चाहिए। ये भाव चले चंद पत्तियां द्रौपदी का भाव, कि मेरे तेरी मर्जी तेरी, ऐसा मरे मर्जी तेरी, ऐसा मरे, चाहे तार